जीवन, नशा मुक्त केंद्र को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से छापेमारी कर सील कर दिया गया। साथ ही नशा मुक्त केंद्र के संचालक के खिलाफ NDPS की धाराओं के सितारगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। सितारगंज में नवजीवन नशा मुक्त केंद्र को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से छापेमारी कर सील कर दिया गया। साथ ही नशा मुक्त केंद्र के संचालक के खिलाफ NDPS की धाराओं के सितारगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। सितारगंज में नव जीवन नशा मुक्ति केंद्र को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर सीज कर दिया है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र के संचालक के खिलाफ NDPS के एक्ट के तहत सितारगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद 31 मरीजों को अन्य शहरों में संचालित नशा मुक्ति केंद्र में शिफ्ट करा दिया गया है। यही नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के बाद नशा मुक्ति केंद्र संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ACMO डॉक्टर तपन शर्मा ने बताया कि विगत माह सितारगंज में स्थित नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान टीम को कमियां मिली थी। वहीं नशा मुक्ति संचालक को नशा मुक्ति केंद्र बंद करने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र को नशा मुक्ति संचालक द्वारा बंद नहीं किया गया, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने नवजीवन नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सीज की कार्रवाई की है। साथ ही नशा मुक्ति संचालक के खिलाफ DIO ऊधम सिंह नगर डॉक्टर संजय कुमार द्वारा NDPS के तहत सितारगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही ACMO डॉक्टर तपन शर्मा ने बताया कि आगे भी वैधानिक कार्रवाई चल रही है, नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ इनके खिलाफ सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नशा मुक्ति केंद्र में मौजूद 31 मरीजों को अन्य केंद्रों पर शिफ्ट कर दिया गया है। गत माह तहसीलदार साहब मेरे द्वारा पुलिस के टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया था। कई सारी अनियमितताएं पाई गई थी। बिना अभिलेख के ये सेंटर कार्यरत था, संचालित हो रहा था। इन्हें नोटिस भी दिया गया था, समय दिया गया था, किंतु इनके द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। अतः अंततः आज तहसीलदार साहब के साथ, CO साहब के साथ, पुलिस टीम के साथ और हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ, हमारे चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा सितारगंज के साथ इसको आज सीज करा गया है। और इनके विरुद्ध NDPC में हमारे डॉक्टर संजय कुमार DI साहब ने FIR भी कराई है कोतवाली सितारगंज में। और जो यहाँ पर भर्ती व्यक्ति थे या रोगी थे, उनको अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। 31 लोग हैं ये अन्यत्र जो वैधानिक चल रहे हैं या हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो स्वस्थ हैं, उनका परीक्षण कर अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उन्हें उनके परिजनों को बुलाकर भेजा जाए। गत 26 मई को भी एक नशा मुक्ति केंद्र जीवन दान को हमने वो करा था और जल्दी ही जो अवैधानिक चल रहे हैं उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।